नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं पूनम यादव। यूपी में इन दिनों बहुजन समाज की मुखिया मायावती काफी चर्चाओं में हैं। दरअसल बीएसपी की बुकलेट में मायावती की तरफ से दावा किया गया है कि साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन इसीलिए टूटा क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मायावती का फोन नहीं उठाया। मायावती की तरफ से दावा किया गया कि अखिलेश यादव ने उनका और बीएसपी के किसी भी नेता से फोन पर बात नहीं की, जिसके बाद से बीएसपी ने गठबंधन तोड़ लिया। वहीं अखिलेश यादव ने इन आरोपों पर कहा कि उनकी तरफ से फोन किया गया था, मगर कभी कभी लोग अपनी बातें छिपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इसी बीच अब बीएसपी मुखिया मायावती ने इस बात को लेकर अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व समाजवादी पार्टी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर यही कहा था कि सपा प्रमुख ने मेरा फोन का जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर उनके द्वारा इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। वहीं मायावती ने आगे लिखा कि बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे विवाद में अखिलेश यादव को घेरने के लिए मायावती के साथ बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मैदान में आ गए हैं। अखिलेश यादव पर मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा ने डबल अटैक किया है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बहन जी, फोन करने के पूर्व मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख फोन पर नहीं आए, फिर पार्टी कार्यालय से फोन गया और तब भी फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं कराई गई, फिर भी बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन वह फोन पर नहीं आए और इस सब का परिणाम यह रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।